बच्चों, आज हम आपकी इंग्लिश की जो बुक है क्लास फोर्थ की, उसमें चैप्टर 3, इसमें एक स्टोरी है, 3 विशेष इसका टाइटल है, यानी 3 इच्छाएं। तो चलो आगे इसको देखते हैं, इस स्टोरी में क्या है, पढ़ते हैं। प्रखर एंड प्रियंका वर ब्रदर एंड सिस्टर। प्रखर और जो प्रियंका थी, ये भाई बहन थे। दे लव्ड ईच अदर, वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, वेरी मच, बहुत अधिक। बट दे ऑलवेज कैप्ट ऑन आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, लेकिन वे एक दूसरे से बहस करते रहते थे। देयर आर्ग्यूमेंट ऑलवेज एंडेड विद फाइटनिंग, और उनकी जो बहस थी वह हमेशा लड़ाई से ख़त्म होती थी। इफ़ यू सी देम, यदि आप उनको देखेंगे क्वेरलिंग, झगड़ा करते हुए, यू वुड से, तो आप कहेंगे दैट दे वर नॉट ब्रदर एंड सिस्टर, कि वे भाई बहन नहीं हैं। तो देखिए बच्चों, वन डे, एक दिन, दे वर नियर द रिवर, नदी के किनारे थे। आई डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले हियर, मैं यहाँ पर खेलना नहीं चाहता, सैड, मैं यहाँ खेलना नहीं चाहती, सैड प्रियंका। प्रियंका ने कहा आई वॉन्टेड टू गो टू दैट पार्क, मैं उस पार्क में जाना चाहती थी, बट यू ऑलवेज डू, लेकिन तुम हमेशा वही करते हो, वाट यू लाइक, जो तुम पसंद करते हो, यू नेवर डू वाट आई लाइक, तुम वो नहीं करते जो मैं चाहती हूँ। यू आर सो अनग्रेटफुल, तुम बहुत एहसान फरामोश हो। इवन टुडे, आज भी, यू रिक्वेस्टेड मी, तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, टू विजिट द रिवर साइड, नदी किनारे चल के घूमेंगे, भ्रमण करेंगे। वैन यू आर हीयर, जब तुम यहाँ हो, यू डू नॉट लाइक टू प्ले हीयर, तो तुम यहाँ भी खेलना नहीं चाहते। ओ यू आर द मोस्ट सेल्फिश गर्ल, तुम बहुत मतलबी यानी स्वार्थी लड़की हो, सैड प्रखर। प्रखर ने कहा प्रियंका वाज टू से समथिंग, प्रियंका कुछ कहना चाहती थी, बट लेकिन शी कुड नॉट कम्प्लीट हर सेंटेंस, वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई। शी हैड सीन समथिंग मूविंग ऑन द ग्रास, तो उसने कुछ चीज़ घास पर चलती हुई देखी। शी कॉट इट, उसने उसको पकड़ा क्विकली, जल्दी से। इट वॉज लिटिल फेरी, वह एक छोटी परी थी, एज बिग एज ए रैट, और इतनी बड़ी थी जितना बड़ा चूहा होता है। लुक, देखो, आई हैव कॉट ए लिटिल फेरी, मैंने एक छोटी परी को पकड़ लिया है। प्रियंका सेड टू प्रखर, प्रियंका ने प्रखर से कहा लेट मी गो, मुझे जाने दो। प्लेडेड द फेरी, फेरी ने निवेदन किया प्लीज डोंट हर्ट मी, कृपया मुझको चोट मत पहुंचाओ। प्रियंका डोंट लेट हर गो, प्रियंका उसको जाने नहीं देना, सेड प्रखर। प्रखर ने कहा मेक हर फुलफिल अवर 3 विशेज, हमारी जो 3 इच्छाएं हैं उनको पूरा करो। प्रियंका सेड फर्स्ट फुलफिल अवर 3 विशेज, पहले हमारी 3 इच्छाएं पूरी करो। एंड आई विल लेट यू गो, तब मैं तुमको जाने दूंगी। आई विल फुलफिल योर 3 विशेज, मैं तुम्हारी 3 विषय जो विशेज हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरी कर दूंगी। सेड द फेरी, फेरी ने कहा वर्ड दे वुड नॉट डू यू एनी गुड, लेकिन वे जो विशेज हैं वह तुम्हारे लिए कोई अच्छा नहीं करेंगी। चिल्ड्रन, बच्चों, लाइक यू, तुम्हारी तरह, कांट विश फॉर द गुड थिंग्स, इच्छाएं जो होती हैं वो अच्छी चीज़ों के लिए नहीं होती, बट आई विल फुलफिल 3 विशेज इफ यू वॉन्ट, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएँ पूरी करूँगी यदि तुम चाहोगे। नाउ व्हाट शैल वी विश, अब हमारी इच्छा क्या है, आस्क्ड प्रखर। प्रखर ने पूछा आई थिंक वी शुड विश फॉर आवर पर्सनल एरोप्लेन, मेरी इच्छा है कि हमारा कोई स्वयं का हवाई जहाज हो। वी विल गो अराउंड द वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया में घूमेंगे या हम पूरी दुनिया में जाएंगे। नो आई डोंट वॉन्ट योर कंपनी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। इन द एरोप्लेन, हवाई जहाज के अंदर।
वी वुड नॉट विश फॉर एन एरोप्लेन, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम हवाई जहाज की हमारी कोई इच्छा नहीं है। दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, उन्होंने बहस करना शुरू किया। एंड देयर आर्ग्यूमेंट कन्वर्टेड इन टू ए क्वेरल, और उनकी जो बहस थी वह झगड़े के रूप में बदल गई। मीनवाइल, तभी प्रखर विश्ड, प्रखर की जो इच्छा थी, आई विश आई हैड ए प्लेन टू फ्लाई इन, मेरी इच्छा है कि मेरे पास में एक हवाई जहाज हो जिसमें मैं उड़ सकूं। एट वंस, एक बार में, ए लिटिल एरोप्लेन अपीयर्ड, एक हवाई जहाज प्रकट हुआ। एंड लैंडेड नियर द टू चिल्ड्रन, दोनों बच्चों के पास में आके रुका। प्रखर वाज वेरी एक्साइटेड, प्रखर बहुत उत्तेजित था, टू सी द एरोप्लेन, उस हवाई जहाज को देखकर। ही रैन, वह दौड़ा टूवर्ड्स द एरोप्लेन, हवाई जहाज की तरफ। एंड गॉट इन टू इट, और उसमें वह घुस गया। बट प्रियंका वाज वेरी एंग्री, लेकिन प्रियंका बहुत नाराज़ थी। यू आर बैड बॉय, तुम बहुत बुरे लड़के हो, सैड प्रियंका। प्रियंका ने कहा, यू हैव वेस्टेड ए विश, तुमने एक इच्छा को ख़राब कर दिया। लाइक दिस, इस प्रकार से। शी वाज सो एंग्री, वह बहुत नाराज़ थी, दैट वह इतनी नाराज़ थी, दैट शी ट्राई टू पुल प्रखर, तो उसने प्रखर को खींचने का प्रयास किया आउट ऑफ द प्लेन, हवाई जहाज से। आई हेट यू सो मच दैट, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। आई विश यू, मेरी इच्छा है टू बी माइल्स अवे फ्रॉम मी। आई विश यू टू बी माइल्स अवे फ्रॉम मी, तुम भी मेरे साथ में आओ। एज सून एज शी सेड, जैसे ही उसने कहा, सो द प्लेन स्टार्टेड अप, हवाई जहाज उड़ने लगा। प्रखर ड्रैग्ड हर, प्रखर ने उसको खींच लिया इन द एरोप्लेन, हवाई जहाज के अंदर। फ्लू ऑफ, और वह हवाई जहाज उड़ गया। यू फुलिस गर्ल, तुम मूर्ख लड़की, सैड प्रखर। प्रखर ने कहा, द सेकेंड विश हैज बीन वेस्टेड, दूसरी जो इच्छा थी वह खराब हो गई, बिकॉज ऑफ योर एंगर, तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारे क्रोध करने से। ओनली गॉड नो, केवल भगवान जानता है, वेयर वी विल लैंड, कि हम कहाँ उतरेंगे। दे फ्लू इन द एयर ए लॉन्ग वे, वे लंबे रास्ते पर हवाई जहाज से हवा में उड़ते रहे। आफ्टर आवर्स ऑफ फ्लाइंग, एक घंटे उड़ने के बाद में, द प्लेन लैंडेड नियर द डेंस फॉरेस्ट, तो प्लेन जो था वह एक घने जंगल में के पास में आके उतरा। दे कम आउट ऑफ द एरोप्लेन, वे हवाई जहाज से बाहर आए। एंड दे कुड नॉट सी एनीथिंग, वे कुछ भी चीज नहीं देख पा रहे थे, एक्सेप्ट फॉरेस्ट, केवल वन के अलावा। दे वर फीलिंग, महसूस कर रहे थे हंगरी, भूखा महसूस कर रहे थे। दे स्टार्टेड टू लुक फॉर फूड, उन्होंने भोजन देखना प्रारंभ किया। बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन वे कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं कर पाए, वे कुछ भी चीज़ नहीं वे ढूंढ पाए। वी विल डाई ऑफ हंगर इन दिस डार्क, इस अंधेरे में हम भूख से मर जाएंगे। फॉरेस्ट में, वन में, सैड प्रखर ने कहा, सी मस्ट गो बैक होम, सॉरी वी मस्ट गो बैक होम, हमें वापस घर जाना चाहिए। दे सॉ मैनी फेरियस एनिमल्स, दे सॉ मैनी फेरियस फेरोसियस सॉरी फेरोसियस एनिमल, उन्होंने कई जंगली जानवर देखे। दे केम बैक इन टू द एरोप्लेन, वापस हवाई जहाज में आए। नाव आई विश, मेरी इच्छा है, अब मेरी इच्छा है टू गेट बैक टू अवर होम, वापस घर अपने जाने की मेरी इच्छा है। सैड प्रियंका, प्रियंका ने कहा। एंड सून, और जल्दी ही, दे रीच्ड बैक नियर द रिवर साइड, वे नदी के किनारे पहुंच गए। नियर देयर होम, उनके घर के पास में। हाउ वी हैव वेस्टेड अवर विशेज, हमने अपनी इच्छाएं किस प्रकार से ये ख़राब कर दी। सैड प्रखर ने कहा, एज दे वर
टॉकिंग ईच अदर, जैसे ही वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, द फेरी अपीयर्ड, परी प्रकट हुई अगेन दोबारा से। चिल्ड्रन बच्चों, हु क्वेरल ऑलवेज, जो हमेशा झगड़ा करते हैं, डू स्टूपिड, वे मूर्ख होते हैं, थिंग्स एंड गेट नथिंग, स्टूपिड थिंग्स, वे मतलब मूर्खतापूर्ण चीज़ें प्राप्त करते हैं, एंड गॉड नथिंग, और कुछ भी प्राप्त नहीं करते, इवन इफ, यद्यपि, इफ एनी अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर आता है, इज गिवन टू देम, उनको कुछ देने का, यू हैव वेस्टेड, तुम उसको खराब कर देते हो, यू विशेष, सॉरी, योर विशेष, तुम्हारी जो इच्छाएं थी, यू आर सिली चिल्ड्रन, तुम मूर्ख बच्चे हो, वी आर सॉरी, हमें अफसोस है, वी हैव लर्न्ड ए लेसन, हमने एक सबक सीखा, एक पाठ सीखा है, बोथ ऑफ देम सैड, दोनों ने कहा टुगेदर, साथ साथ, द चिल्ड्रन वर वेरी सैड, बच्चे बहुत दुखी थे, वी शैल नेवर क्वेरल अगेन, हम कभी दोबारा झगड़ा नहीं करेंगे, सैड प्रखर विद टीयर्स, आंसुओं के साथ में उसने कहा, इन हिज आईज, उसकी आंखों में आंसू थे, देन द फेरी गेव देम टॉयज, द फेरी ने उनको खिलौने दिए एज ए गिफ्ट, उपहार के रूप में, एंड डिसअपीयर्ड, और गायब हो गई। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इसके लिए आप लाइक करें, और दूसरा, इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करें, और जितने भी वर्ड मीनिंग हैं उनको आप याद करें। तो यहाँ ये आपकी वीडियो समाप्त होती है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे।